हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या गिवन है? बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड? -8/39 की किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए? तो मैंने वो नंबर ले लिया एक्स, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, टू ऑब्टेन ताकि हमें 5/26 मिले। तो ये जो एक्स है, ये हमने लेट कराया ना, तो उसे लिखेंगे भी लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? अब हमें यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू क्या है, 5/26। तो ये जो -8/39 है, मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगी, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है कहां जाता है, दूसरी साइड, डिवाइड में। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड आया है तो उसको मल्टीप्लाई का साइन बना के चेंज करेंगे, और जो बाद वाला नंबर होता है उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, अब इसको काटते हैं, 13 2s are 26, 13 3s are 39। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3s are 15, 2 8s are 16। माइनस था वो माइनस यहां आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, -15/16। क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू -15/16। क्लियर? दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड विद 54 मीटर ऑफ क्लोथ। अगर 24 पेयर ट्राउजर के 54 मीटर क्लोथ में बन रहे हैं, मीन्स कि क्लोथ रिक्वायर्ड 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर। कितने क्लोथ की हमें जरूरत पड़ रही है 24 पेयर ऑफ ट्राउजर के लिए, 54 मीटर क्लोथ की। फिर बोल रहा है व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच, ईच मीन्स हर एक, मीन्स वन, वन पेयर ऑफ ट्राउजर के लिए कितने क्लोथ की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 24 के पेस पर क्या लिख देंगे, ईच, ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तब भी हमें ज्यादा के लिए वैल्यू मीन्स कोई भी वैल्यू दे रखी है और ईच या वन के लिए पूछता है, तो हमेशा क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 54 को डिवाइड कर देंगे 24 से, कैंसिल करो, 6 4s are 24, 6 9s are 54, 2 2s are, ये कैंसिल नहीं होगा, 9/4। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखो 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, यहां पर क्या बचेगा, 1, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 2 whole 1/4। क्लोथ कितना था, कितने की जरूरत थी हमें, तो उसके लिए यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर, मींस 2 whole 1/4 meter इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। क्लियर? नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है क्वेश्चन 12 में, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3 whole 3/4 meter कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 meter। हमें एक रोप दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, 30 meter। अब इसके कुछ छोटे छोटे पीसेस कट किए जा रहे हैं, जो कि हर एक पीस की लेंथ है 3 whole 3/4 meter। तो कह रहे हैं ऐसे हम कितने नंबर ऑफ पीसेस इस रोप में से कट कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ रोप कितनी गिवन है हमें, 30 meter। लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच पीस की लेंथ कितनी है, 3 whole 3/4 meter। इसको सॉल्व करते हैं, 4 3s are 12, 12 plus 3 15, 15/4 meter। बताना है कितने पीसेज इसमें से हमारे कट होंगे, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस कैन बी कट, हम कट कर सकते हैं किसमें से, फ्रॉम अ रोप। तो नंबर ऑफ पीसेज निकालना है, मींस क्या कर देंगे, डिवाइड, टोटल लेंथ कितनी थी 30, उसको डिवाइड करेंगे 15/4 से। अब डिवाइड दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, और पीछे वाली जो डिजिट होगी
उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। कैंसिल करते हैं 15 वन 15, 15 2 30। तो 2 × 4 कितना आया, 8। मीन्स कि हम क्या बोलेंगे, 8 पीसेस, जो हम इसमें यूनिट लगाएंगे पीसेस लिखेंगे। इस रॉप में से जो 30 मीटर की रॉप है उसके हम ऐसे 8 पीसेस बना सकते हैं। क्लियर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 13 में, कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर क्लोथ की इतनी है, 78 होल 3/4। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2, दैट इज ब्रैकेट में कितना लिख देंगे, 2 × 4 और 1 = 5, 5/2 meters ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, ₹78 होल 3/4। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 78 से करेंगे और प्लस 3 करेंगे, तो कितना आएगा, 315/4। अब हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, मींस कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ पूछ रहे हैं वो। क्लियर। और तब भी वो 1 की पूछते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, 315/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से। डिवाइड करना है तो डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल, 2/5। कैंसिल करते हैं सेम टेबल से, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 63 आ जाएगा, 5 × 3 = 15। मल्टीप्लाई 63 की 1 से, 63 2 की 1 से करेंगे 2, 2 से डिवाइड करते हैं 63 को, 2 × 3 = 6, माइनस करो 0, ऊपर से हमने नोट किया 3, 2 × 1 = 2, 1। तो यहां से इस तरह से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 31 होल 2/2। क्लियर। और कॉस्ट है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, रुपीज। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, ₹31 होल 1/2 रुपीज। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।